अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में कार ने तीन बाइक चालकों को टक्कर मार दी और इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई गई और हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और साथ ही आरोपी कार चालक डॉक्टर अनिल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अनिल चौधरी पर शराब के नशे में वाहन चलाने का आरोप है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। अभी सूचना मिली कि ये गुलाबाड़ी फाटक से आगे एक कार वाले ने दो बाइक वालों को एक्सीडेंट कर दिया है, जिसमें ये गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके लिए हमने ड्यूटी ऑफिसर को मौके पे भेजा है। वहाँ से जो बाइक्स थी उनको और गाड़ी को थाने पे लाया जा रहा है और जो रेफर किए हैं उनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए एवं संवाददाता नितिन मेहरा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नितिन, एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला, एक कार ने अपनी स्पीड के चलते तीन बाइक सवारों को एक साथ टक्कर मार दी, क्या था ये पूरा मामला? नितिन, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी रत्ना जी, इसमें तीन युवक घायल हुए हैं, जिसमें एक की हालत बहुत नाजुक स्थिति में बनी हुई है अभी तक। जी नितिन, पुलिस ने इस पे मौके पर पहुंच के क्या कार्रवाई की? क्या उस कार चालक को पकड़ा गया, साथ ही उसकी गाड़ी को हिरासत में लिया गया? गाड़ी को अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया है और चार चालक अभी मौके से फरार बताया जा रहा है। उस समय भी ने एक चीज होते अहमदाबाद किया था, उसके बाद में रस्ता भी जाम किया था, थाने का मामला है पूरा सामने आया था। नितिन, तीनों घायलों का क्या अभी उपचार जारी है? उनमें से कोई गंभीर रूप से घायल हुआ? जिसमें से एक गंभीर रूप में घायल है, जिसकी हालत बहुत नाजुक स्थिति में बनी हुई है अभी तक। जी नितिन, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि पुलिस ने आरोपी कार चालक को हिरासत में ले लिया है और एक बार फिर से आपको बता दूं कि रफ्तार का कहर देखने को मिला, तेज स्पीड में गाड़ी चलाने से कार चालक ने तीन बाइक चालकों को एक साथ टक्कर मार दी और तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया और साथ ही मौके पर पुलिस पहुंची और कार चालक को कार के साथ गिरफ्तार कर लिया।